अगर आपका पेट साफ नहीं तो आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। आपका उदर विकार बना रहता है तो नींद आलस शोक प्रमाद पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। उदर विकार बना रहता है तो भजन में मन नहीं लगेगा। अगर उदर में ये कब्ज बनी रहे तो कई रोगों का प्रादुर्भाव हो जाएगा, आप विक्षिप्त रहेंगे, अंदर से आपको एक अशांति सी रहेगी। एक कब्ज क्यों होती है? जब लीवर की क्षमता से अधिक भोजन पालोगे, गरिष्ठ भोजन पालोगे, कब्जियत वाला भोजन पालोगे तो बना देगी। होश में सबसे कहते हैं नित्य व्यायाम, जैसे भजन आवश्यक है वैसे आवश्यक है। 2-3 किलोमीटर चलना अत्यंत आवश्यक है, चाहे आप उसे अंग्रेजी में ट्रेड मिल है, हाँ ट्रेड मिल, उसमें दौड़ लो, उसमें चल लो, या भैया यहां से छड़ी उठाओ, एक रफ्तार में दौड़ती हुई जाओ केसी घाट में, यमुना जी को प्रणाम किया फिर दौड़ते चले आओ। 20 मिनट का कार्य है, थोड़ा सा व्यायाम करो, क्योंकि शरीर के अंगों को हलचल चाहिए, एक बार पसीना आना चाहिए। हमने मोटरसाइकिल स्टार्ट करने वालों को देखा है, जब उनको चलना होता तो पहले खड़े खड़े रेस में देते ना, बस फिर आराम से बैठे चाल में चल, एक बार 24 घंटे में इसको रेस में लाना है। अगर निद्रा पर विजय नहीं, प्रमाद पर विजय नहीं, तो साधना क्या करोगे? तमोगुण में फंसे रहो। अब पेट में कब्ज है तो घोर तमोगुण रहेगा, घोर तमोगुण, चिड़चिड़ा स्वभाव, नींद आलस्य प्रमाद, पाठ में मन नहीं, भजन में मन नहीं, बैठने में सब आप लोगों को अनुभव इसलिए नहीं होता कि आपका हृदय भी पवित्र उस कोटि का नहीं है। नहीं तो एक कवल बता देगा कि अगर सहज सरल भोजन पाओ, सात्विक, रोटी है, दाल है, सब्जी है, सलाद है, लाखों रुपया तुम बीमारी में खर्चा करवा रहे हो, फल सलाद ये नहीं पा सकते। अगर घर का बना हुआ पदार्थ शुद्ध हाथ का है चलो भाई जैसा आप, लेकिन बाजार का होना चाहिए। ठीक है बाहर हम बहुत साफ स्वच्छ बैठकर बेच रहे हैं, लेकिन बनाने वाले कैसे, उनका भाव क्या है, उनकी पवित्रता क्या है? ये जो बेचारे व्यापार नौकरी आदि में बाहर मारे घूम रहे हैं, उनको किसी न किसी तरह उदर पोषण करना है। पहली बात है हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही, जो इच्छा करे हो मन माही। उसे ये न समझे कि भगवान प्रसन्न होकर हमें दे रहे हैं, बच्चे हो हट करोगे खिलौना पकड़ा देंगे खेलते रहो, जब रोगे खिलौना फेंक के फिर गले से लगा लेंगे, काहे समय बर्बाद करते हो। पकवान ये पूड़ी कचौड़ी सब्जी परेठा गरिष्ठ पदार्थ, और ये जितनी बाजार की चीजें इनका सीधा कब्ज से संबंध होता है, सीधा ये कब्ज बनाएंगे। आप श्रम तो करते नहीं, घंटा दो घंटा ऐसा श्रम तो वो आपके अंग जो है उनमें पावर नहीं रह गया और आप लादते चले जा रहे हैं सब। जरूर समय से खाना है, अगर आपको कब्ज हो रही तो छोड़ो भोजन छोड़ो। अब ऐसी चीजें पाओ, पपीता है, फल है, आप कहोगे सत्संग बहुत जरूरी है ये, क्योंकि हम देख रहे हैं कैसे भजन करोगे आप लोग, कैसे भजन करोगे जब आपका उदर साफ नहीं है। तो पहली बात, स्वादहीन भोजन आपको महापुरुषों के मार्ग में आगे बढ़ा देगा, स्वादिष्ट भोजन आगे कदम नहीं बढ़ने देगा, ये लिख लो आप कागज में। जिस भजन सरस, और अगर भोजन सरस तो लिख लो वजन बढ़ेगा, भजन नहीं वजन बढ़ेगा, बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि व्यायाम नहीं, किसी भी तरह की कोई ऐसी श्रम वाली क्रिया नहीं, पड़े रहना है तो बस सोने का मन करेगा, पड़े रहो। प्रार्थना है, अमूल्य जीवन है, अमूल्य कृपा हो गई है, इस रसेंद्री को संभालो। सब इंद्रियां तुम्हारे वश में हो, रसेंद्री वश में ना हो तो तुम जितेंद्री नहीं माने जाओगे, और एक इंद्री केवल रसेंद्री वश में हो आप स्वाभाविक जितेंद्री हो जाएंगे। महापुरुषों ने भजन के लिए सर्वस्व त्याग किया है, और हम भोजन के लिए भजन का त्याग कर देते हैं, श्री जी के चिंतन का त्याग देख लो आप, देख लो। और जितना भोजन आप पाते उससे आधा लेना है आपको। इतने बड़े महापुरुष भोजन की बात कर रहे, भगवान कर युक्ताहार विहार से,
तो आधा पेट भोजन गिन लो आप अपनी रोटी और सब्जी और सब। ऐसे नहीं कि रोटी में तो गिन के चल रहा है लेकिन और अगले पदार्थ जो हैं वो नहीं, कमी नहीं है हमारे भगवान के दरबार में और न संसार में पदार्थों की कमी है, लेकिन तुम में कमी हो जाएगी, तुम्हारा जीवन भजन विहीन हो जाएगा। मेरी प्रार्थना मान लो प्यारे, अगर जैसा आदेश हो रहा है ऐसा भोजन, तो भजन का नशा बढ़ने लगेगा। आप देखो तो अपने लोगों को तो जीवन का अनुभव यही रहा है। अगर आप ऐसे ही तो कैसे भजन हो पाएगा, क्योंकि आपको तो अनुभव है नहीं कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप हंस खेल कर बात करके समय पार कर रहे हैं, इसलिए अगर आप अंतर्मुख हो तो एक कवल का प्रभाव बता देगा आपके चिंतन में कितना फर्क पड़ गया। आधा पेट ही भोजन करना है आपके पास, जितने भी बैठे हैं अब तो व्यवस्था है जीवन, आप देखो तो बाल भोग पास हो, आप राजभोग पाओ, आप शयन भोग पाओ, थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। भजन करना है, प्राणों का पोषण करना है, भजन करना है, तो आधो उदर अन्न सो भरे, ठीक, आधो में आधा जल और आधा छोड़ दे वायु के लिए। यहां जलवायु से तो मतलब नहीं है, पूरा यहां तक पूरा ऐसा, फिर कहेंगे एसिडिटी बन रही, कब्ज बन रही, भजन होगा। ये बहुत आवश्यक है, इसलिए हम इस विषय की चर्चा कर रहे हैं। आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, नहीं दोगे तो आपका भजन नहीं बन पाएगा। और आगे सावधानी के लिए करें, आपको व्यायाम करना है, 10 मिनट कर लीजिए आप व्यायाम और 2-3 किलोमीटर पैदल चलिए। उपासक का चेहरा अग्नि ज्योतिमय ज्योतिमय, ऐसा नहीं कि वो सांवला रंग है तो खिल नहीं पा रहा, नहीं, ब्रह्मचर्य और नियम ऐसे कमल के फूल का जैसा चेहरा हो जाता है उसका, खिल जाता है चेहरा, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा कीन्ह रामचंद्र कर काजा। आधा अन्न और जो आधा बचा उसमें आधे में जल, 3 लीटर जल प्रत्येक शरीर को चाहिए ही चाहिए, उससे शरीर की गर्मी तेजाब लघु शंका से निकलती है और वो कब्ज तोड़ने में सहायक होता है। प्रातः पहला जल बिना कुल्ला किए पीना चाहिए, बिना स्नान आदि किए शौच के पहले जो हमें जाना है, तो हम उसे नियम दिए कम से कम 500 ग्राम इसके ऊपर आप जितना ले सके जल, वो भी गुनगुना, मतलब थोड़ा अच्छा गर्म होना चाहिए कि आप आराम आराम से पी सकते हो, पर गर्म है और वज्रासन में बैठ के। अभी देखो कब्ज नष्ट होती है कि नहीं, बहुत जिसकी कब्ज बन रही, रोज शाम के गर्म जल या गर्म दूध से बताया है कि आप 1 चम्मच छोटी हर पिसी हुई, 1 चम्मच इसबगोल की भूसी, महीनों लो सालों लो, वो आपकी आंतों को परिपक्व करके फिर ऐसे कर देगा कि फिर आपको औषधि नहीं चाहिए। ये बहुत साधक के बचाव पक्ष की औषधि है, नहीं आप जैसे एकदम कोई ऐसा कड़ा चूर्ण लें तो आपके ब्रह्मचर्य पर घात हो जाएगा। ये सब अनुभव की बातें हैं। जल आवश्यक है आपकी स्वस्थता के लिए और वायु आवश्यक है। आधा अन्न और आधे से आधा जल और आधा खाली जो श्वास के, यहां तो बस सावधानी रखो, ये अन्न बढ़ता चला जाएगा आपका खुराक, आपको पदार्थ और अच्छे अच्छे मिलेंगे क्योंकि आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले हो, कोई कमी नहीं रहेगी। ये मत सोचो कि ये बर्बाद हो जाएगा, नहीं, तुम अपने बर्बाद होने को बचाओ। अगर एक दिन तुमने ज्यादा ले लिया बच गया है तो, लेकिन आप अपने उदर में मत डालो, समझो हमारी बात। बहुत से जीव जंतु हैं, बहुत, आप उतना ही लो जितना आप पा सकते हो। अरुजो परालब्ध शो आवे ताही को सुख शो बरतावे, भगवत इच्छा से जो आपको मिले रूखा सूखा, आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। देखो इच्छा नहीं है, इच्छा रहित होकर के कुछ भी मिल जाए वो आपको बांध नहीं पाएगा पक्का। और अगर पकवान आदि मिलता है तो जितना भोजन पाते थे उससे भी आधा कर दीजिए, कभी नुकसान नहीं होगा। लेकिन जितना हम भोजन पाते हैं, जब पकवान आदि मिलते हैं तो उससे डबल कर लेते हैं। बुद्धि है, इसको दबकाओ, कुछ नहीं, उन्हें पूरा जीवन हो गया खाते खाते, बड़ा समस्या। समझो समझो, हम भगवत भजन करने के लिए आए हैं। पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी महाराज,
जब उनको भगवान नर नारायण ने उपदेश किया भगवान शंकर जी के मंदिर में, उस दिन से वो अध्यात्म स्थिति प्राप्त करने के लिए एक कवल पाते थे, एक कवल सिर्फ 24 घंटे में, ऐसे ऐसे शन वाली रोटी और इतना जो बना, एक प्राण पोषण के एक कवलन अस्थिमात्र हो रहे से छवि लगी कुटिया में 18-18 घंटे पद्मासन में, वर्षों सोए नहीं लेट करके, ऐसे रख लेते ऐसे और बस उसी में थोड़ी देर ऐसे फिर बैठ गए। मेहनत की इन महापुरुषों ने, शरीर राग इंद्री राग भोग राग इनको विध्वंस कर दिया, तब ऊंचाई पर चढ़े। वैराग्य रहित जीवन में विषयानंद लेते हुए भगवदानंद नहीं मिलता, विषयानंद त्यागी को ही भजन का अनुराग और दिव्यताएं आती हैं। तो जो आपको प्रारब्ध से मिले उसमें बुद्धि रखनी, स्वादिष्ट और पकवान पदार्थ ही केवल अगर है हमारे भोजन में तो जितना भोजन पाते हैं उससे आधा पाएंगे और एक बार उपवास करेंगे दूसरे टाइम पच जाएगा। आप लोग सावधान रहिए, जितनी सुविधाओं के भोक्ता बनोगे उतना ही अंता स्थिति में तुम कमजोर होते चले जाओगे। आप भी बहादुर हो, संसार के मार्ग का त्याग करके, विषयानंद का त्याग करके भगवदानंद में चले तो चलो। इच्छा रहित कुछ भी पाओगे, बंधोगे नहीं। जो प्रारब्ध सो आवे ताही को सुख सो बरतावे, सुख पूर्वक जितना पचा सकते हो या जो स्वीकार करो वो केवल होश में विवेक के द्वारा, प्रारब्ध के अनुसार भोगा सकते हैं लेकिन वो भोगवाने के लिए विवश नहीं करेंगे। विवेक के द्वारा आप उनको भोगो या दूसरों को त्याग करके दे दो, तो आपके सामने प्रारब्ध वशात आया, भगवत इच्छा से आ गया, अब भोगो या ना भोगो ये तुम्हारे ऊपर की। अगर भोगे तो योग से वंचित हो जाओगे और अगर त्याग कर दिए तो शांति पद में, त्यागात शांति अनंतरम, शांति पद में स्थित हो जाओगे। सुख है तो त्याग में है, वैराग्य में है, भगवदानंद का सुख भोग में नहीं है, राग में नहीं है। इस बात को अच्छे से देखो, समय बर्बाद करते चले जा रहे हो, दिव्यताएं नहीं, जो अध्यात्म की ऊंचाई की दिव्यता है वो आना चाहिए। आपने जीवन समर्पित किया है, आप में रंग आना चाहिए, कैसे आएगा? आप दूसरों के दोष देखते हैं, आप निंदा करते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव है, नाक में गुस्सा रखी हुई है, जो मन आए सो, हमारी जो बुद्धि निश्चय करे सो सत्य, ना गुरु के वचन सत्य, ना शास्त्र के वचन सत्य, तो ये संसारी पुरुष का लक्षण है।